देख बेटा सेंटर देख ले, सेंटर देख ले, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है क्या? देख देख जरा चेक कर ले। बरोबर बाबा। हाँ तो ठीक है। अरे ये सगड़ी तैयारी देख के नीलम तो एकदम खुश हो जाएगी। आज तो हमारा घर जैसे पूरा बदल ही गया। भगवान करे मेरे बेटे की जिंदगी में ये खुशियाँ हमेशा बनाए रखे। थैंक यू भाई। अजबा कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ शीतल, तुम्हारी कुछ बात हुई है नीलम से? नहीं अभी तक वो घर नहीं आई। अच्छा ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूँ फिर से। राहुल, लगला का फोन? नहीं माँ, उसका फोन नॉट रिचेबल आ रहा है। तो अब क्या करें बेटा, पुलिस में जाना ठीक होगा? बाबा आप भी खामखा परेशान हो रहे हो, कहीं फंस गई होगी, आ जाएगी। कदम सर, दोनों मिडिल एज के लगते हैं, गाड़ी की पीछे बहुत बड़ा डेंट है, हिट एंड रन केस हो सकता है। राइट सर, गाड़ी को देखकर ऐसा ही लगता है। सर लगता है किसी बड़ी गाड़ी ने इसको पीछे से टक्कर मारी। नहीं, टक्कर मारते ही ब्लास्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो जिस गाड़ी ने टक्कर मारी वो गाड़ी आगे नहीं जा पाती। एक काम करो, दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस गाड़ी के चेसी नंबर से इसकी ओनर का पता लगाओ। और हाँ, मुंबई टू लोनावला चेक नाका के दोनों साइड की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, ट्रेस करो कोई ऐसी बड़ी गाड़ी जिसके सामने वाले हिस्से पर डेंट। आई बाबा, आप लोग घबराइए मत, मैं पुलिस स्टेशन जाके आता हूँ। आली बट्टा, दरवाजा खोल। तरफ मुंबई में रहने वाली नीलम सड़क दुर्घटना में मौत का शिकार हुई और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के एक गांव अठावी में रहने वाली एक युवती अपनी जिंदगी से परेशान है। आज के इस केस में अलग अलग और दूर रहने वाली इन दो स्त्रियों की कहानियों के सिरे जब आपस में मिलेंगे तो सामने आएंगे कुछ अनदेखे अनसुने अपराध के खुलासे जो आपकी सोच से भी परे होंगे। ये बॉडी आपकी वाइफ की है? नहीं सर। आइए चलिए, आइए। मौका है वारदात पर हमें कुछ सामान मिला है, आइडेंटिफाई कीजिए। ये तो नीलम की ड्रेस है, यही पहनकर तो वो बाहर गई थी। ये मोबाइल भी नीलम का है सर, उसे कब से ट्राई कर रहा था पर वो उठा ही नहीं रही थी। ये आप ही की गाड़ी का नंबर? मिस राहुल, ये गाड़ी हमें हाईवे पर जली हुई कंडीशन में मिली, लोनावला टू मुंबई हाईवे। इस कार में आपकी वाइफ ही नहीं, उनके साथ कोई और भी था। दोनों की बॉडी बहुत बुरी तरह जली हुई थी। वैसे आप जानते कि वो शख्स कौन था जिसके साथ आपकी बाइक बाहर गई थी? साहब, हमारी बहू किसी और के साथ कहीं क्यों जाएगी? वो तो मां बनने वाली थी।
जगह कुटकी ली पूरी विशाखा ए विशाखा ए बेटा ए राजा यहाँ क्यों सोई है हाँ यहाँ क्यों सोई राजा चल आई अब नींद लग गई पता नहीं चला ओ चल चल मेरे पास सो जा अच्छा अच्छा सो जा शुरुआती तहकीकात में यह मामला पुलिस को अवैध संबंध और बेवफाई का लग रहा था पर शायद इसके पीछे जो सच छुपा हुआ था वो आपके यकीन की बुनियाद को हिला देने वाला था। अब इस केस का सारा दारोमदार इस रहस्यमय व्यक्ति की पहचान पर टिका था जिसके साथ नीलम सफर कर रही थी और मृत पाई गई। पुलिस तार से तार जोड़ने की कोशिश कर रही थी। सर ये नीलम लोनावला की तरफ क्या करने गई थी? वो भी एक आदमी के साथ, वहां तो ज्यादातर कपल जाते हैं ना। लेकिन कदम मुझे ऐसा लगता है कि राहुल और उसके माता पिता हमसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर नीलम इनसे कुछ छुपा रही थी। कदम नीलम की कॉल रिकॉर्ड्स करवाओ, हो सकता है उससे हमें इस आदमी के बारे में कुछ पता चले और शायद ये भी पता चले कि वो दोनों इकट्ठे कर क्या रहे थे। सर रे बाबा सोने जैसी बेटी दी मेरे को, मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। जय साई राम। विशाखा क्या हुआ, काय पाहिजे तुला? अग आई काय नाही, वो मैं देख रही थी कि इस साल में तूने एक भी नई साड़ी नहीं ली। हो भाई गो, बड़ी चिंता है मेरी तेरे को। तुझे नौकरी लगने दे, हर महीने एक साड़ी लूंगी, वो भी जबरदस्ती। अरे पानी क्यों आया आंखों में बेटा? तू ना विशाखा बड़ी नरम दिल की है, तू दिल को ऐसे मजबूत बना। ये दुनिया है ना बाहर की, यहाँ अच्छे लोग कम और बुरे लोग ज्यादा रहते हैं। सर ये नीलम के कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स है। इस कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर सामने आया है जिसमें नीलम की काफी बातें होती थी, लेकिन अब ये नंबर बंद है। ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? सर ये नंबर किसी पंकज सालस्कर के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये पंकज सालस्कर का एड्रेस पुणे का है, शिवाजी नगर। हो सकता है ये वही आदमी हो जो नीलम के साथ कार एक्सीडेंट में मरा। कदम मैं नीलम के घर जाकर उसके घर वालों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ, तुम शिवाजी नगर जाकर इस आदमी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो। सर चलो। पंकज सालस्कर ये नाम सुना है आपने? नहीं, हमने ये नाम कभी नहीं सुना। इंस्पेक्टर साहब नीलम और राहुल की जिंदगी में क्या चल रहा था इसके बारे में हमने ज्यादा कभी इंटरफेयर नहीं किया है और वैसे भी हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। राहुल कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब बहू के मौत के बाद राहुल काफी परेशान था, हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने उसे नींद की गोलियां दी है, वो गोलियां खाकर सो गया है। इस वक्त उसका आराम करना बहुत जरूरी है। देखिए एक काम और भी जरूरी है, इस केस की इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो इंसान कौन था जो नीलम के साथ कार में था। अगर आपको यही जानना है कि नीलम के साथ कौन था तो जाके उसके माँ को पूछो ना, नीलम की जिंदगी में कौन था, किसके साथ उसके चक्कर थे, इसके बारे में हम क्या जाने। देखिए दुनिया भर की खबर रखती है उसकी माँ, तो उसको अपने बेटे के बारे में खबर नहीं होगी। इंस्पेक्टर साहब ये सच कह रही है, आप नीलम की माँ से पूछिए ना, आपको जरूर पता चलेगा। अच्छा ये बताइए कि नीलम की माँ रहती कहाँ है? मेरी बेटी बहुत सीधी थी और अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। ये सोचना भी बकवास है कि मेरी बेटी का किसी के साथ अफेयर था।
आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती? मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती थी और राहुल से बहुत प्यार करती थी। आखिर संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। देखिए एक बार फिर अपने दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए पंकज सलास्कर, ये नाम आपने पहले सुना है? मैंने आपसे कहा ना, मेरी बेटी का किसी के साथ अफेयर नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए कि आपकी बेटी नीलम ने कभी अपने ससुराल वालों की बुराई की हो आपके सामने, कुछ ऐसा कहा हो जो आपको अजीब लगा हो? नीलम के सास ससुर नीलम और राहुल के रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन राहुल ने उनकी बात नहीं मानी। शादी के कुछ महीनों बाद ही उन्हें नाराज होने की एक और वजह मिल गई। लीजिए बाजला नाटक, धोखा किया है आपने, धोखा हमारे साथ। एक तो बांझ लड़की मेरे बेटे के पल्ले बांधी, ऊपर से प्यार का नाटक। 6 साल हो गए शादी को, अब तक नीलम की गोद सुनी है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बच्चों के आपस का निर्णय हो, वो अभी कुछ समय तक बच्चा नहीं चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं है। गप्पा बसा, कान खुलकर सुन लीजिए, या तो 6 महीने के अंदर हमारे घर में खुशखबरी आएगी, नहीं तो आपकी बेटी घर वापस आएगी, समझ लो। ऐसा कैसे चला तुम्हें? अभी 1 महीने पहले ही नीलम की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आई थी, 6 साल बाद वो प्रेग्नेंट हुई थी। उस न्यूज से घर में खुशियां थी, सब खुश थे, मगर मेरी बेटी का मरना मर्डर है तो जरूर उसके ससुराल वालों ने ही किया होगा। सिर्फ बच्चे की प्रॉब्लम थी या कुछ और भी था? मुझे नहीं पता, मेरी बेटी ही पागल थी जो ऐसे लोगों का साथ निभा रही थी। होई सर, काय झालं? पंकज सालसकर का घर यही है जी। हो डॉक्टर पंकज सालसकर माझा मुलगा, काय झालं? पुलिस जब पंकज सालसकर के घर पहुंची तब कुछ चौंका देने वाले सच सामने आए। बूढ़े माँ बाप के लिए पंकज की मौत की खबर दर्दनाक थी, उन्हें नीलम से उसके रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन पुलिस ने एक अहम सुराग खोज निकाला कि पंकज खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट है। क्या है इस रहस्यमय अपराध के पीछे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक तरफ नीलम की मौत और दूसरी तरफ विशाखा की कहानी, इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था? बस इतने ही, बाकी के पैसे? मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत जल्द आपको सारे पैसे दे दूंगी। वक्त और इज्जत अगर हाथ से निकल जाए ना विशाखा, तो फिर वापस कभी नहीं आते। वक्त तो तुम गवा रही हो, कहीं इस वजह से इज्जत भी न चली जाए। लेकिन मैं सच में बहुत कोशिश कर रही हूँ, और एक बार में इतने पैसे लाना ये थोड़ा मुमकिन नहीं है ना। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, उसके बाद कुछ नहीं। जितने जल्द हो सके वैसे पैसे जमा कर देना, वरना तुम तो जानती हो ना तुम्हारी माँ। नहीं नहीं, सब हो जाएगा, मैं अरेंज करती हूँ। जल्दी करना विशाखा, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। कुछ भी करो पर पैसे जमा कर दो। मेरे पीछे पीछे माता, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुझसे। अरे पर क्यों, किया क्या है मैंने तुमसे? कौन सी गलती गिनाओ तुझे, सारी गलती तेरी है। देख मनु, यहाँ से निकल जा, मुझे कोई तमाशा नहीं क्रिएट करना है। अरे एड़ी होगी क्या? अरे बता तो सही, किसी ने कुछ कहा तुमसे? मैं सांगते ही तुन नींद, मैं पागल हो गई तू? एक लड़का और एक लड़की, लड़के ही मुंबई से,
और लड़का पुणे में डॉक्टर वहीं प्रैक्टिस कर रहा था। इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक ये पिछले 4 महीने से कॉन्टेक्ट में थे। नीलम को बच्चा नहीं हो रहा था और उसका ये दोस्त पंकज एक गायनोकोलॉजिस्ट है, हो सकता है नीलम की मेडिकल इश्यूज में हेल्प कर रहा हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन दोनों के बीच में डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप था या कुछ और इस बारे में किस किस को पता था? चेक करना पड़ेगा सर। पंकज सालस्कर? नहीं सर, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और ना ही हमारा पुणे आना जाना है, नीलम के मेडिकल के सिलसिले में भी हम पुणे नहीं जाते थे। उसके सारे टेस्ट यहीं मुंबई में होते थे, चेकअप, सोनोग्राफी, सब कुछ यहीं मुंबई में मातृ सिटी हॉस्पिटल में। ठीक है चलो। कदम, 4 महीनों से नीलम और पंकज एक दूसरे के साथ टच में थे और राहुल को इस बारे में पता भी नहीं। या तो ये राहुल बहुत अच्छा एक्टर है या फिर इतना बिजी कि अपनी बीवी के लिए इसके पास टाइम ही नहीं। पता करना पड़ेगा। चलो सर। पुलिस के लिए सारे सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि पंकज और नीलम के बीच में कोई अवैध संबंध था और इसी संबंध की वजह से कई सालों बाद नीलम गर्भवती हुई। एक तहकीकात से सामने आई ये हकीकत, जिससे इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक नया मोड़ मिल गया जब पुलिस टीम उस हॉस्पिटल पहुंची जहां पर नीलम का इलाज चल रहा था। नहीं सर, मिस्टर पंकज नाम के कोई भी डॉक्टर यहां प्रैक्टिस के लिए नहीं आते। क्या कभी किसी स्पेशल केस में उनका यहाँ आना जाना हुआ कुछ घंटों के लिए? सर, यहाँ जो भी डॉक्टर प्रैक्टिस के लिए आते हैं ना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है और रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ कोई भी डॉक्टर मिस्टर पंकज नाम के तो नहीं आए। हेलो इंस्पेक्टर, आई एम डॉक्टर सेठी। एनी प्रॉब्लम? डॉक्टर, हमें आपकी पेशेंट नीलम यादव और डॉक्टर पंकज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। आइए केबिन में बैठ के बात करते हैं। नीलम यादव आपकी पेशेंट जो प्रेग्नेंट थी, शी इज नो मोर। ओह सॉरी, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं थी। मतलब उनका यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं थी। डॉक्टर, हम नीलम यादव की रिपोर्ट्स देख सकते हैं? श्योर। सिस्टर, नीलम यादव की रिपोर्ट ले। अच्छा डॉक्टर, डॉक्टर पंकज सलस्कर आपके हॉस्पिटल में काम करते हैं? पंकज नहीं तो यहाँ ये लीजिए रिपोर्ट्स। सर, नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। डॉक्टर सेठी की न्यूज कंफर्म है, नीलम कभी प्रेग्नेंट थी नहीं। यही तो सोचती थी मैं, अचानक ये चमत्कार कैसे हुआ? एक नंबर की चुड़ैल थी वो। मैं तो कहती हूँ जो कुछ हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। अच्छा हुआ मर गई। इस बार कोई अच्छी सी लड़की देखकर मैं इसकी शादी कराऊंगी और ये देखूंगी कि कहीं वो बांझ ना हो। सर, नीलम के ससुराल वाले कुछ ठीक नहीं लगते। मेरा मतलब, हो सकता है नीलम अपनी शादी से खुश ना हो और नीलम के अफेयर का पता इनकी फैमिली को चल गया होगा। तो सर, ये भी हो सकता है कि नीलम और पंकज को मारने की सुपारी इन लोगों ने किसी को दी और राहुल के पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। तो सर, ये भी हो सकता है कि ये एक्सीडेंट के पीछे नीलम का हाथ। पर कदम,
अगर नीलम को ये रिश्ता तोड़ना ही था तो फिर प्रेग्नेंट होने का ये ड्रामा क्यों? लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीलम और पंकज लोनावला करने क्या गए थे? और हाँ, ये राहुल की सारी इंफॉर्मेशन निकालो, एक्टर है, हो सकता है इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ। सर, गाड़ी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई? सर आज शाम तक शायद आ जाएगी। ठीक है सर, राहुल की शादी की बात किसी और लड़की से चल रही थी 3 महीने पहले। ठीक है, कदम सर, ये राहुल के माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर, क्यों मारा? किसको दी सुपारी? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है ना तुम्हारा? हमने कुछ नहीं किया साहब, कसम से। इस लड़की को जानती हैं आप? मैं याद दिलाता हूँ, ये वही लड़की है जिसके साथ आपने अपने बेटे की शादी 3 महीने पहले फिक्स की थी। कुछ याद आया? बोलिए। बहू को बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए। पहली बीवी के होते हुए दूसरी बीवी का प्लान, अगर वो भी प्रेग्नेंट ना हो तो फिर उसे भी मार देती, और फिर तीसरी शादी। शर्म आनी चाहिए आपको। हमने कुछ भी नहीं किया सर। फिर किसने किया? राहुल ने? राहुल, नीलम की बात सुनकर ना बेबी, आई एम रियली सॉरी फॉर यू बेबी, बट आई एम सो हैप्पी कि अब हमें चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ है हमारा अफेयर, और राहुल की लाइफ में मैं कोई पहली लड़की नहीं हूँ जिससे उसका अफेयर है। वो एक कामयाब एक्टर है और उसके अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं जिससे मुझे काम मिलता है, और मैं सिर्फ अपने मतलब के लिए उसके साथ में हूँ, दैट्स इट। देखिए सर, मेरा काम ऐसा है कि शूटिंग की वजह से मुझे हफ्ते महीनों घर से बाहर रहना पड़ता है। अपनी बीवी से ज़्यादा तो मैं एक्ट्रेस के साथ होता हूँ, कई सिटीज़ में ट्रैवल करता हूँ, ऐसे में हो जाता है कभी कभी। मानता हूँ कि ईशा से मेरा अफेयर है, लेकिन ये बात नीलम को पता थी और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो ये जानती थी कि सच्चा प्यार मैं सिर्फ उससे करता था। ये सब तो बस यूं ही टाइम पास। तो ऐसी प्यार, दिल, तो ऐसे शब्द भी आपको आते हैं एक्टर साहब? वैसे थोड़ी बहुत एक्टिंग हम भी कर लेते हैं, देखना है। देखिए सर, ये बात आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगी, आप लोगों को तो बस शक करना है। विशाखा, अरे क्या कर रहे हो बेटा? आली जल्दी आ जाइए, 1 घंटा हो गया, पढ़ाई नहीं करनी है क्या? चल जल्दी, मैं झटझट चाय बनाती हूँ। क्या कर रही थी इतनी देर तक? और ये देख, चेहरा ठीक से पोछा भी नहीं, कैसी लड़की है तू? हाँ बड़ी हो गई ना सुने तो। चल मैं चाय बनाती हूँ, बनाई हूँ, नाश्ता भी देती हूँ, तू पढ़ाई कर बेटा। देख पढ़ाई है तो दुनिया हाथ में है, ऐसा सब बेकार है राजा। चल जल्दी जल्दी, हाँ चलो चलो। एक तरफ नीलम की मौत और दूसरी तरफ विशाखा की कहानी, इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था? कहते हैं औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, लेकिन नीलम की सास ने नीलम का दर्द कभी समझा ही नहीं, ना उसके जीते जी उससे कोई हमदर्दी दिखाई और ना ही उसके मरने के बाद। शक के दायरे फैल रहे थे, लेकिन पुलिस सच की तह तक जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। सर, कार की रिपोर्ट आ गई है, और सर हमने टोल नाका का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, फुटेज में एक ट्रक ट्रेस हुआ है जिसके आगे एक बहुत बड़ा डेंट है, और सर उसका टाइम भी एक्सीडेंट के 1/2 घंटे के बाद कर। Thank you.
सिंह ने भेजा है ना, अपनी जान लेगी मेरी। मैं खुद परेशान हूँ, मैं क्यों तुम्हें मारूंगी? मतलब मेरा नाम विशाखा है, मैं उस औरत को जानती हूँ। सब खरा संग सब, किसी ने मेरे को पैसे नहीं दिए सब। उस दिन थोड़ी ज्यादा चढ़ा रखी थी सब, बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, खूनी नहीं हूँ, पैसा लेके किसी को नहीं मारता सब। मैं घबर गया था इसलिए मैं भाग गया सब। तू जादव ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक चलाता है ना? कौन जादव ट्रांसपोर्ट साहब? दो लोगों की जान गई है तेरी वजह से, सजा तो तेरे को जरूर मिलेगी। सब कुछ नहीं कर, मेरे को जाने दो ना साहब। कदम सर, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री निकालो। सर कैसे हुआ ये? देखिए ना, एक डॉक्टर को कैसे कोई मार सकता है। सर मैंने ही आपको फोन किया था। आप कौन है? जी मैं पड़ोसी हूँ। आपने किसी आदमी को आते जाते देखा हो? नहीं मैंने नहीं देखा। लोखंड एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और सारे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, शायद ये मर्डर पैसे वैसे के चक्कर में तो नहीं हुआ। यस सर। सर ट्रक ड्राइवर और नीलम के ससुराल का कोई कनेक्शन नहीं। सर डॉक्टर पंकज ने एक्सीडेंट के दिन किसी डॉक्टर सुरभि नाम के गायनेकोलॉजिस्ट से बात की थी, उनका क्लिनिक लोनावला में है, ये उसका एड्रेस है। नीलम और एक गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट। कदम सर चलो देखते हैं। सर कितना सारा कैश? रवि को बुलाओ। रवि। हाँ सर। आप तो बड़े अमीर आदमी निकले, ये इतना पैसा कहाँ से आया? सर पेशेंट ने दिए होंगे, क्योंकि अक्सर वो फीस नहीं लेती, हो सकता है कि बाद में दे करके गए हो। सर कहीं ऐसा तो नहीं किसी और को इस कैश के बारे में पता हो और उसकी वजह से वो मर्डर हुआ हो? अगर मान लीजिए कि कोई बकाया पेमेंट दे भी गया तो उसकी रिसिप्ट तो होगी ना आपके पास? पता नहीं सर। ढूंढिए। ये तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। पंकज बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, मेरे बैचमेट थे वो। पंकज और नीलम बहुत ही अच्छे दोस्त थे, क्योंकि नीलम कंसीव नहीं कर पा रही थी इसलिए वो अपना ट्रीटमेंट मातृ सिटी हॉस्पिटल में करवा रही थी। वहाँ उसे कुछ टाइम के बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, पर आई थिंक वहाँ उसे कुछ गड़बड़ लगी जिसकी वजह से सेकंड ओपिनियन के लिए डॉक्टर पंकज नीलम को मेरे पास लेकर आए। अच्छा डॉक्टर ये बताइए कि वाकई में क्या नीलम प्रेग्नेंट थी? जी नहीं, नीलम प्रेग्नेंट नहीं थी, बट डॉक्टर जीवन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शी वॉज प्रेग्नेंट। डॉक्टर जीवन, लेकिन डॉक्टर हम वहाँ डॉक्टर सेठी से मिले, नीलम का वही ट्रीटमेंट कर रहे थे? जी नहीं, डॉक्टर सेठी तो उस हॉस्पिटल के डीन है, उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर जीवन कर रहे थे। नीलम का सच चौंका देने वाला था। नीलम जिस मानसिक आघात से गुजर रही थी उसमें मां बनने का सपना शायद इतना बड़ा होता है कि दूसरी हकीकतें दिखाई ही नहीं देती। आखिर नीलम के साथ हुआ क्या था? नीलम प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन राहुल और उसके माँ बाप के हिसाब से वो प्रेग्नेंट थी। तो सर एग्जैक्टली मातृ सिटी हॉस्पिटल में उसका इलाज किस बात का चल रहा था? यही तो पता करना है कदम, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, डॉक्टर सेठी ने हमसे ये क्यों छुपाया कि नीलम का ट्रीटमेंट डॉक्टर जीवन कर रहा था? कदम सर एक काम करो, डॉक्टर सेठी और डॉक्टर जीवन दोनों की हरकतों पर नजर रखो।
ये रही सुषमा की कॉल रिपोर्ट्स। डॉक्टर जीवन से काफी बातें हुई उनकी। सर हो सकता है डॉक्टर सेठी ने हमें। ये रही डॉक्टर जीवन की कॉल रिकॉर्ड। कदम सर इन रिकॉर्ड्स को बारीकी से चेक करो। जीवन एक डॉक्टर है और आमतौर पर ऐसे लोगों को काफी कॉल जाते हैं। ये चेक करो किस नंबर पर सबसे ज्यादा बात हुई। हो सकता है हमारे हाथ कोई पुख्ता सबूत लग जाए। What? लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम डॉक्टर जीवन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं? सर इस सुषमा के डॉक्टर जीवन के साथ काफी सारी फोन कॉल्स हुई हैं। जब हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे तो पता चला कि इसके ऊपर आप लोग भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है मैं आपसे कोऑर्डिनेट करता रहूंगा। जीवन के बारे में अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आई लेट यू नो। ओके सर। ओके सर हमने डॉक्टर जीवन की पूरी कुंडली खंगाल डाली। ये डॉक्टर जीवन पनवेल में फ्रीक्वेंटली फोन करता है किसी लैंडलाइन नंबर पर और ये नंबर पनवेल के किसी फार्म हाउस का है। पता करो ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर घर का कोना कोना छान मारो जो मिले गिरफ्तार करो। डॉक्टर डॉक्टर रुक रुक एक तरफ था नीलम की मौत का रहस्य और दूसरी तरफ थे विशाखा के संदिग्ध हालात। पुलिस ने नीलम की हत्या को रूल आउट नहीं किया था और अब पुलिस उस हकीकत के बिल्कुल करीब थी जहां आकर नीलम और विशाखा के बीच के संबंध का खुलासा होने वाला था। सर 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 बताता हूं सब बताता हूं सर सब बताता हूं। जिन लोगों के खुद के बच्चे नहीं हो सकते उन लोगों पर क्या गुजरती है ये कोई आम आदमी नहीं समझ सकता। एक तड़प होती है बच्चे को गोद में लेने की। ऑप्शंस बहुत होते हैं पर उन्हें अपना खून चाहिए होता है। सरोगेशन करा सकते हैं एडॉप्ट कर सकते हैं पर नहीं उन्हें चाहिए अपना वारिस अपना खून। तो बस उनकी इस चाह ने मेरे दिमाग में ये आइडिया लाया। मैं एक हार्मोनल इंजेक्शन लगा के अपने पेशेंट्स को बेवकूफ बनाता हूँ कि वो लोग बच्चे को जन्म दे सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं एक औरत का इंतजाम करता था जो सच में बच्चे को जन्म दे सके सरोगेसी से। जैसे ही पेशेंट की डिलीवरी की ड्यू डेट आती मैं उसे एडमिट करता और उस सरोगेट मदर के बच्चे को उन कपल्स को दे देता। सब खुश हो जाते मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे सर। मगर उन पैसों में से मैं एक अच्छा हिस्सा उन लड़कियों को भी देता था जिन्होंने असल में बच्चे को जन्म दिया। चल बता अब तक और कितनों को बेवकूफ बनाया तुमने? अब तक 9 लोगों को इस तरह से बच्चा दिया है मगर अब तक किसी को भी इस मामले में कोई शक नहीं हुआ। बच्चा मिलते ही वो लोग खुशियां मनाने में व्यस्त हो जाते थे। अब ये बता तूने डॉक्टर सुषमा को क्यों मारा? नहीं सर मैंने उसे नहीं मारा। सुषमा ने काफी लोन ले रखा था वो मेरी बैचमेट थी इसलिए हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। उसकी एजुकेशन लोन काफी हैवी थी और उसकी पोस्टिंग एक छोटे से गाँव में हुई। उसे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने उसके साथ ये आइडिया शेयर किया। लोग कितने विश्वास के साथ एक डॉक्टर का दरवाजा खटखटाते हैं। डॉक्टर्स को दूसरा भगवान माना जाता है लेकिन तुम जैसे लोग लोगों की मजबूरी और उनके जज्बात का नजायज फायदा उठाते हैं। तुमने अपने प्रोफेशन पर दाग लगाया है और इसकी सजा तुम्हें जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। आज जेवणाला सुट्टी आज भेल खाए। आगे क्या हुआ? मैं मलेरिया के पेशेंट थी। डॉक्टर सुषमा बहुत अच्छे से बात करती थी।
मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। मैं उससे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। एक बार मनु ने मुझे किस मनु ने मुझे किस किया और ये बात भी मैंने डॉक्टर सुषमा को बताई। किस किया और क्या किया? और कुछ नहीं, फिर मैं घबरा गई और वहां से भाग गई। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? शाखा तुमने ये क्या किया? अरे मुझसे पूछ तो लिया होता, तुम अभी छोटी हो, इस उम्र में अगर प्रेग्नेंट हो गई तो? सिर्फ किस करने से? और नहीं तो क्या, तुम्हें पता नहीं है? अरे किस करने से प्रेग्नेंट होते हैं? क्या कर दिया तुमने? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, कुछ नहीं होगा। सर वो बोली कि गौरी तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी, और उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे दिया। लेकिन सर जब मैं कुछ दिन बाद वहां पे गई तो बोलती है कि मेरे पेट में बच्चा है। वो मुझे मिल मिल कर धमकाने लगी। उसने इस राज को राज रखने के लिए और अबॉर्शन के 50,000 रुपए मांगे। जिस रात में विशाखा से मिली मुझे पता चला कि वो भी उन सब से गुजर रही है जिन सब से मैं गुजर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने जान देने की सोची। जल्दी करना विशाखा, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। कुछ भी करो पर पैसे जमा करो। लेकिन हिम्मत नहीं हुई। फिर मैं डॉक्टर सुषमा से मिली। डॉक्टर सुषमा को तो सिर्फ पैसे चाहिए थे। मैंने आई से पूछा और आई से ही मुझे पता चला कि किस करने से प्रेग्नेंट नहीं होते। अरे रहने दे, मैं कर रही हूँ ना। आई एक बात बता, किस करने से प्रेग्नेंट होते क्या? क्या बता ना। चल कुछ भी पूछती है। अगाई सांग ना। नहीं सच्ची। तू क्यों पूछ रही है मुझे? वो मैंने टीवी पे देखा था ना। चुप, ये तेरा काम नहीं है, जा पढ़ाई कर। फिर मैंने गौरी से बात की, उससे बात करके मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर मैं सीधे डॉक्टर सुषमा के घर गई। तूने मुझे झूठ बोला, धोखा किया तूने मेरे साथ। शांत, अंदर आ। मुझे सब पता चल गया है। आई ने मुझे बताया किस करने से कोई प्रेग्नेंट नहीं होता। अरे ये तो मैं भी जानती कि तू प्रेग्नेंट नहीं है। किस करने से कोई प्रेग्नेंट थोड़ी ना होता है। मैं सबको बता दूंगी, देखना देखना तेरे साथ क्या करती हूँ। क्या बताएगी किसको? मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तुझे ब्लैकमेल करूंगी और करते रहूंगी। मैं दुनिया को बता दूंगी कि तू प्रेग्नेंट थी और बहुत लड़कों के साथ घूमती थी। जो करना है जो कर, मुझे कुछ नहीं होने वाला, समझ गई? कर मंजना, शायद सुख माचिस है वो। मैं मेरी बेटी को समझ ही नहीं पाई। सब बातें इस पे थोपती चली गई, थोपती चली गई। काश मैं इसे समझ पाती ना, तो ये सब नहीं होता। मिस्टर राहुल, आपकी पत्नी नीलम ने आपको कभी धोखा नहीं दिया। पंकज सालस्कर के साथ उनके कोई नाजायज संबंध भी नहीं था और ना ही उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की बात छूट कही। शी वॉज इनोसेंट, जिन्हें कोई शायद समझ नहीं पाया। काश मैंने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। शायद नीलम की मौत का जिम्मेदार मैं ही। संसार चलाने से लेकर परिवार संभालने तक शायद ही ऐसा कोई काम होगा जो स्त्री को ना करना पड़े, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, मां के रूप में हो, बेटी बहन या फिर दोस्त के रूप में। आज भी हमारे समाज में मां ना बन पाने का दोष सिर्फ औरतों को ही क्यों झेलना पड़ता है? क्यों आंखें बंद करके सारा इल्जाम उन्हीं के सर पर धर दिया जाता है? क्यों ससुराल में रहने के लिए उनके सामने अपनी गोद आबाद करने की शर्त रखी जाती है? क्यों उन्हें अपमान, ताने और तिरस्कार सहना पड़ता है? क्या इसके लिए वो अकेली जिम्मेदार है? कई केसेस में तो पति में पिता बनने की क्षमता ही नहीं होती, लेकिन फिर भी दोष पत्नी को ही दिया जाता है। इस विकृत सोच को बदलने की जरूरत है।
अपने वंश को आगे बढ़ाने के लालच ने आज लोगों को इतना अंधा बना दिया है कि उस लालच ने एक ऐसे कारोबार को जन्म दिया जहां नीलम जैसी औरत इस विकृत सोच का शिकार हुई, तो वहीं विशाखा शिकार बनी जानकारी की कमी की वजह से। माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो सेक्स एजुकेशन जैसे विषय पर अपने बच्चों से खुलकर बात करें, वरना इस शिक्षा की अहम जानकारी उन्हें अपने दोस्तों, किताबों या इंटरनेट से मिलेगी, जो ना जाने कितनी सच होगी और कितनी झूठ। हम अपने बच्चों के सबसे बेहतर मार्गदर्शक हैं और हमें इसकी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय। If you want to enjoy more crime TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.